आई थिंक थोड़ा सा या तो ये ड्रमस्टिक्स कुछ कमजोर थी और जरा लीन थी, इसलिए ये कुछ ज्यादा हो गया इसका ये जो मैरिनेट है। इसको यूजुअली बस उतना ही होना चाहिए जो उसके ऊपर लगा रह गया है, और ये वाला बचना नहीं चाहिए था। बट वेल, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन और देयर इज ऑलवेज अ रीपर्पसिंग टू एनीथिंग दैट यू हैव इन योर किचन। Assalamualaikum and welcome to another episode of Kusit in the Kitchen Ramadan Special. These episodes are brought to you in an exclusive partnership with Coca-Cola Pakistan. धनिया यहाँ क्या हुआ है मेरे धनिये के साथ? क्योंकि मैंने तो सुना था कि अगर धनिये को आप पानी में भिगो कर रखें तो वो काफी देर तक तरोताजा रहता है। ये धनिया तो काफी मायूस सा हो चुका है। बट इन एनी केस, चूंकि इस धनिये ने पिसना है इसलिए वी विल जस्ट डू विद दिस। बट इफ यू नो एनी हैक के धनिये को ज्यादा देर तक बाहर ताजा कैसे रखा जाए, प्लीज शेयर कीजिएगा। आज की जनाब जो डिश मैं बना रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट स्पाइसी ब्रेज्ड ड्रमस्टिक्स। और ड्रमस्टिक्स जो है वो मुझे लगता है कि एक बहुत बैनुल-अक़वामी सा फूड आइटम है और ये बड़ों और बच्चों दोनों में यकसां मकबूल है जैसे कि कहा जाता है। लेकिन रमज़ान में हम सब सोचते रहते हैं कि इतनी ज़्यादा एक्सेसिव फ्राइंग से निजात कैसे हासिल की जाए। सो फॉर दैट दिस टेक्निक कॉल्ड ब्रेजिंग विल कम इन हैंडी। ब्रेजिंग क्या होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे और चिकन ड्रम स्टिक्स बनाएंगे जो कि फ्राइड नहीं हैं। और बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी, मोहब्बत भरी सी, रोमांटिक, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक से सजी हुई फिल्म साथिया के ऊपर। शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड और बताते हैं कि स्पाइसी ब्रेज्ड ड्रमस्टिक्स के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार है। तो जी आज हम जरा कुछ ओरिएंटल स्टाइल की यानी फार ईस्ट के जायके की ड्रमस्टिक्स बनाएंगे और इसके अंदर कुछ खास इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं जो कि बहुत स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो वो थाई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ा सा फ्लेवर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बट डोंट वरी, कुछ स्टेजेस के अंदर आपको खुद समझ आ जाएगा कि अगर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मौजूद तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। दे आर वेरी एरोमेटिक, दे एड अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर, बट यू विल नॉट लूज अ लॉट अगर ये मौजूद नहीं है। तो ब्रेजिंग में आमतौर पे तो ये होता है कि सबसे पहले आपको पैन सियर करना होता है, उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर या स्टॉक के अंदर आपने कुकिंग करनी होती है। और फिर जब वो पानी खुश्क हो जाता है तो उसके बाद आप उसको भून लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सियरिंग नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले इसको सॉर्ट ऑफ आप कह लीजिए पारबॉयल या बॉयल करेंगे और इसको मैं एक ही वॉक में बनाऊंगा ताकि ये झटपट भी हो और आसान भी हो। सो सबसे पहले जाएंगे ये जी 8 अदद ड्रमस्टिक्स। ये एक खूबसूरत सी चीज है जिसको कहते हैं लेमन ग्रास। सुपर स्टोर्स पे अवेलेबल होती है, थोड़ी दिक्कत से मिलती है बट मिल जाती है। सो ये ताजी लेमन ग्रास है, मैं इसकी 2 अदद सोटियां लूंगा और इन सोटियों के साथ सबसे पहले एक सलूक करना होगा ताकि इनके फ्लेवर्स अच्छे से निकल आए। इनको आपने हथौड़े से थोड़ा सा इनके ये बेस को पीटना है। तो जी इनको आपने इस तरह पीटने के बाद बस ऐसे काट लेना है इनटू हाफ्स। तो जी ये लेमन ग्रास के स्टॉक्स चले गए इसके अंदर। वैसे तो जी ऑथेंटिक कुकिंग के अंदर उसको गलंगाल या गलंगल कहते हैं, जो थाई अदरक होती है वो थोड़ी सी पिंक कलर की होती है, ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है, बट हम रेगुलर जिंजर इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एट दिस पॉइंट। वैसे सॉल्ट बाद में भी जाएगा, सो लेट्स से ये हाफ अ टीस्पून कह लीजिए। एक और बहुत खूबसूरत महक वाले दोस्त हैं, इनका नाम है लाइम लीव्स, काफीर लाइम लीव्स इनको बोलते हैं। काफीर लाइम लीव्स भी जी दे आर वेरी इसेंशियल टू ऑल काइंड्स ऑफ थाई कुकिंग। लेकिन अगर ये नहीं मिल रहे, मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी इसको रिप्लेस करने की, वो जो हमारे यहाँ
खट्टियाँ होती हैं, जो खट्टी का बूटा होता है उसके पत्ते में से भी ऐसी खुशबू आती है, बट वो ज़रा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो अगर काफ़ी लाइम आपको सुपर स्टोर से नहीं मिल रहा, यू कैन स्किप दिस. एज आई सेड, दीज आर वेरी एरोमैटिक, सो दे आर मोस्टली फॉर एरोमा एंड दैट डिस्टिंक्ट थाई फ्लेवर. सो आई एम गोइंग टू यूज अबाउट 3. इनको थोड़ा सा ज़रा तोड़ फोड़ देते हैं ताकि इनके अंदर से भी जायके निकल आए. एंड नाउ आई विल एड वाटर. और पानी आपने बस इतना डालना है कि ये सारा चिकन उसमें भीग जाए, बेतहाशा पानी नहीं जाएगा. खुले में पकाइएगा ताकि ज़रा उसको बहुत ज़्यादा वो ना टाइट स्पेस मिले, और फिर उससे क्या होगा कि वो टूटना फूटना शुरू हो जाएगा जब ज़्यादा गल जाएगा चिकन. चूल्हा करते हैं ऑन. द बेस्ट थिंग अबाउट ड्रमस्टिक्स इज कि एक तो प्रोटीन बहुत अच्छी आपको मिलती है. सबसे लीन पार्ट तो नहीं होता ये चिकन का, बट इन एनी केस दीज आर गुड प्रोटीन्स और दे आर अ वेरी हैंडी स्नैक. आई थिंक इफ्तार का ये एक बड़ा मज़े का आइटम बन सकता है क्योंकि घर में सबको ये बहुत पसंद आएगा. बच्चे तो ख़ास तौर पे बहुत शौक से खाते हैं. आई नो कि बच्चों की पसंदीदा चीज़ होती है फ्राइड ड्रमस्टिक्स, बट आप इसको एज एन ऑप्शन ज़रूर ऑफर कर सकते हैं. तो जी, जितनी देर ये चिकन इस पानी के अंदर बॉयल होता है, एंड एज आई सेड 20 to 25 minutes, उतनी देर आप लेंगे एक फूड प्रोसेसर. उसके अंदर जाएंगे कुछ इन्ग्रीडियंट्स. एक है जी ये मीडियम साइज का प्याज, जस्ट चॉप इट रफली. और इसको सिर्फ इसलिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं ताकि आपका प्रोसेसर जो है वो बिल्कुल ही पोतर ना जाए और उसकी मत ना मारी जाए. 4 to 5 लहसुन के ये जवे हैं जी, इनको आपने छिलका उतार लेना है और इनके भी जस्ट दीज बिट्स आई एम गोइंग टू रिमूव. सो ये मिर्चें जो हैं गर्म पानी के अंदर आपने 15-20 minutes भिगो दें तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, रिहाइड्रेट हो जाती हैं. मिर्चों के बाद अगेन थाई कुकिंग या ओरिएंटल कुकिंग, उसके अंदर हमेशा मिठास का एक फ्लेवर होता है जिसको उमामी कहते हैं. उमामी इज़ द सॉल्टी बेस और उसके अलावा खटास, उन सब का एक मिला जुला सा बहुत खूबसूरत ब्लेंड होता है. दैट होल बैलेंस क्रिएट्स दैट डिस्टिंक्ट थाई फ्लेवर. तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 teaspoon चीनी का. अब इसमें जाएगी तकरीबन 4 tablespoon of soy sauce. आप हसबिजायका नमक को बढ़ा और कम कर सकते हैं. That's about it जी. अब हम क्या करेंगे, एक तो ये मिर्ची वाला पानी, अगर मुझे इसको थोड़ा पतला करना हुआ तो मैं यही इस्तेमाल कर लूंगा. इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ. This dhaniya will be roughly chopped. एक्सलेंट जनाब. ये जो आप समझ लीजिए एक किस्म का सॉस है या मैरिनेड है, ये मिक्सचर जो है इसकी कंसिस्टेंसी अब इस तरह की होगी. तो जी, अब वाकयतन मेरे जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ 1 or 2 रह गए हैं, 1 रह गया बल्कि. मुझे इसमें से चिकन को जब ये 20-25 मिनट पक जाएगा तो एक्सेस वाटर अगर थोड़ा बहुत होगा उसको मैं सुखा लूँगा और फिर उसके अंदर ये सारा मिक्सचर जाएगा और फिर इसकी दोबारा से कुकिंग शुरू होगी. तो जितनी देर ये 20-25 मिनट वाला मरहला पहुंचता है अपने इख्तिताम को, हम बात करते हैं साथिया पे. एक बहुत इंटरेस्टिंग से फिल्म मेकर बॉलीवुड में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जिन्होंने अपने करियर में 2 films बनाई. दूसरी उन्होंने रिसेंटली बनाई थी, यानी कुछ साल पहले, लेकिन एक ही फिल्म ऐसी बनाई जिससे वो एक लेजेंड बन गए. उन साहब का नाम है मुजफ्फर अली. फिल्म उन्होंने बनाई उमराव जान अदा, रेखा के साथ, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख एंड बीच में शौकत आजमी भी थी. सो उनकी वो लेगेसी को आगे लेकर, फिल्म मेकिंग लेगेसी को, उनके बेटे चले. उनका नाम है शाद अली. शाद अली की डेब्यू फिल्म थी साथिया. बहुत उम्मीदें, बहुत एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स, और सब लोगों की नज़रें थीं कि शाद इतनी बड़ी लेगेसी को किस तरह ऑनर करेंगे. और शाद ने एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी स्टोरी पिक की. बाय ऑर्डिनरी आई मीन अ वेरी सिंपल स्टोरी. उस स्टोरी पे इंडिया में बेतहाशा फिल्में बन चुकी हैं. कभी भी दुनिया में कहीं भी रोमांस बनता है तो उसकी यही बुनियादी कहानी है कि दो लोग हैं, उनको आपस में मोहब्बत है और फिर कुछ मुखालिफ कुवतें हैं. सो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या इतनी सिंपल कहानी को लेकर एक फिल्म मेकर को अपनी डेब्यू फिल्म बनानी चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि I think God is in the detail.
और जो डिटेल थी इस स्क्रिप्ट की, इस सिंपल सी कहानी की, चूंकि स्क्रिप्ट को लिखा दो ऐसे लोगों ने मिलके जो कि जायंट्स हैं ऑफ फिल्म मेकिंग, मणि रत्नम एंड गुलजार साहब. सो एक अमेजिंग स्क्रीन प्ले, एक सादी सी कहानी के साथ बहुत अमेजिंग स्क्रीन प्ले, लेकिन जो एक्सिक्यूशन है, जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज था वो बहुत फ्रेश था उस जमाने के हिसाब से. इट वॉज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. एंड रानी मुखर्जी एंड विवेक ओबेरॉय आई थिंक अपनी जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में. और चूंकि बिल्कुल सीधी सीधी सी कहानी है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, सो एक ऑर्डिनरी सी कहानी जिसमें एक लड़की है, वो ट्रेन में रोज जाती है अपनी, वो आई थिंक रानी हाउस जॉब कर रही है, वो डॉक्टर बन रही होती हैं, और विवेक ओबेरॉय जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और वो कहीं उनकी मुलाकात होती है, तो वो ट्रेनों की जर्नीज, वो एक दूसरे का पीछा करना, वो बॉलीवुड का फॉर्मूला उसी तरह से ओन करना कि एकदम से आप कहीं कश्मीर पहुंच जाते हैं, आप पहाड़ों में पहुंच जाते हैं गानों के लिए, आप चट्टानों पे खड़े हुए हैं, दुपट्टे उड़ रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड डांसर्स भी हैं, वो सब चीज़ें मिला के उसी फॉर्मूले को बहुत हैप्पीली ओन करके शाद ने एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म बनाई, और वो है साथिया. सो साथिया आई थिंक is one of those guilty pleasures, is one of those moments जब आप अपने आप को इंडल्ज करते हैं कि सीधा साधा रोमांस है, रोना धोना है, नाच गाना है, लेकिन क्या कमाल सादगी के साथ वो कहानी सुनाई गई. और जब साथिया को मैं याद करता हूँ तो शाद की इस इंटरेस्टिंग सिंपल फिल्म मेकिंग के अलावा ए आर रहमान का म्यूज़िक, और ये रहमान का आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट स्कोर्स है, क्योंकि एक से बढ़ के एक गाना. आप बात करें चुपके से की, आप बात करें मेरा यार मिला दे साया, आप बात करें उड़ी उड़ी की, आप आइटम सॉन्ग जो श्मिता शेट्टी के ऊपर था चोरी पे चोरी उसकी बात करें, छलका रे की बात करें, साथिया द टाइटल ट्रैक साथिया. सो आई थिंक चीजीनेस को किस तरह से पैलेटेबल बनाया जाता है ये शाद ने प्रूव किया. और जब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में शेखर कपूर भी हों, मणि रत्नम भी हों, सो आई थिंक आप बहुत सेफ हैंड्स में होते हैं. सो आई थिंक किसी भी डेब्यू फिल्म मेकर के लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग सा पैलेट था. जिस तरह से फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन किया गया वो बहुत मज़े का था. एंड आई फील के जहाँ हम सिर्फ एक सर्टन तरह का ऑप्युलेंस और ग्रैंडियर देखने के आदि हो रहे थे, और बॉलीवुड कभी कभी थोड़ा सा मज़ाक़ा खेज लगता था कि इतना लार्जर देन लाइफ कर दिया चीज़ों को कि वो इनएक्सेसिबल और नकली लगने लग जाती हैं, तो यहाँ ऑलमोस्ट ओरिजिनल लोकेशंस के ऊपर सब कुछ शूट किया गया और उनको ड्रेसअप किया गया. सो द प्रोडक्शन डिज़ाइन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, द कैमरा वर्क वॉज वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो हाउ शैल आई पुट इट फन. वो जो गाना है उड़ी उड़ी, वो पूरा रिवर्स में शूट हुआ है, यानी वो गाना जो है वो जितना एक्शन उसमें आपको नज़र आ रहा है वो एक रिवर्स ऑर्डर में है. सो इस तरह के छोटे छोटे मज़े मज़े के एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपको किक्स देते हैं वो मौजूद थे. और ऐसी फिल्म जिसमें बुनियादी तौर पे आपको पता है कि जी दो मोहब्बत करने वाले हैं, एंड में इन्होंने तो मिलना है, लेकिन किस तरह से जो चीज़ें, जो फैक्टर्स उनके मुखालिफ हैं वो शुरू में एक्सटर्नल हैं और धीरे धीरे वो अब एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स कम हो जाएंगे और उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होगा. यानी जो कुछ वो फाइट करना चाहते थे वो तो उन्होंने फाइट कर लिया, लेकिन अब दुश्मन कौन बना टुवर्ड्स द थर्ड एक्ट ऑफ द फिल्म, वो खुद उनकी आपस की नाराजगियां, कि वही जब आप मोहब्बत में अंधे हुए होते हैं आपको नहीं पता चलता कि असल जिंदगी की रियलिटीज क्या हैं, जब बिल्स आते हैं, जब घर के खर्चे आते हैं, जब एक दूसरे पे छोटे मोटे शक होना शुरू होते हैं. सो वो जो मोमेंट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो यहाँ भी मेरा ख्याल है जीनियस ऑफ स्क्रीन प्ले ये था कि एक फिजिकल इवेंट को, एक कार एक्सीडेंट है और उसको इस्तेमाल किया गया, और उस कार एक्सीडेंट के अंदर फिर उसको मजीद वेट देने के लिए कि वो एक अहम वाकया बन जाए. सो गेस्ट अपेयरेंसेस करवाई गई तब्बू और शाहरुख खान से. वो क्या कमाल सीन है बिटवीन विवेक ओबेरॉय, तब्बू एंड शाहरुख खान, और वो वाकई आपको फील आती है कि ये ही फिल्म का थर्ड एक्ट बनता है, जितना वेट उस सीन में आ गया विद दी स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंसेज बाय बोथ शाहरुख खान एंड तब्बू जी. वो भी बहुत अमेजिंग एक चीज़ है. और किस तरह से फिर ऑफ कोर्स वो दोनों एंड में मिल जाते हैं, तो अच्छी सी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म,
मेरा ख्याल है वहाँ पे जो ब्रेजिंग है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है, खुशबुएं आ रही हैं। चेक करते हैं हम जाके अपने चिकन ड्रमस्टिक्स को। ओके जी, सो 25 मिनट के बाद जब सारा पानी इसका खुश्क हो जाए तो आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत हद तक गल चुका है बहुत अच्छे से। मैं अभी थोड़ी देर के लिए करूँगा चूल्हा बंद, और चूँकि जो लेमन ग्रास के स्टॉक्स हैं, जो जिंजर है, वो अपना काम कर चुकी है, तो अब हमें सिर्फ इसमें से चाहिए ड्रमस्टिक्स, उनको हम निकालते हैं। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगा साइड पे, और अपने इसी पैन को चूंकि मुझे इस्तेमाल करना है, ये अच्छा सा स्टॉक जो चिकन का जरा सा बच गया मैं इसको भी जाया नहीं करूंगा। आई एम ओनली गोइंग टू गेट रिड ऑफ दीज पार्ट्स, सो ऑल दीज बिट्स कैन नाउ गो। ये सैडली हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी, लेकिन ये अपना काम कर चुकी। इसको एक लो फ्लेम पे रख के आई एम गोइंग टू ऐड दिस मिक्सचर, इसका एक ऐसे अच्छा सा बेड बनाएंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न माय ड्रमस्टिक्स। गोश्त काफी हद तक पक चुका है, तो आपने उसको बहुत ज्यादा धींगा मुश्ती नहीं करनी, ताकि ड्रमस्टिक्स जो हैं वो ड्रमस्टिक्स ही नज़र आएं और बहुत ज़्यादा टूटे फूटे नहीं। अब मैं धीरे धीरे इनको कोट कर दूंगा इस सारे के अंदर, प्यार प्यार से, बहुत प्यार प्यार से। और इवन कुकिंग के लिए हम इसलिए पैन बढ़ा लेंगे ताकि हर एक को इक्वल हीट भी मिल सके। तो जनाब इस पॉइंट पे अब इसको आपने यू हैव टू गिव इट अनदर 20 to 25 minutes, एग्जैक्टली उतने ही तकरीबन जितने हमने इसकी पार बॉयलिंग के लिए लिए थे, और ये इसमें अच्छे से पकेगा, ये खुश्क होती जाएगी, और एंड में अगर मुझे लगेगा कि इसमें मॉइस्चर मौजूद है तो मैं बहुत थोड़ी देर के लिए बहुत हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लूँगा। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि इसमें किसी किस्म का एक कतरा भी तेल का नहीं गया। एट दिस पॉइंट इफ यू डू फील लाइक, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको एक दफ़ा घुमा फिरा लें तो एक अच्छा सा ग्लेज भी आ सकता है। बट चूंकि ये ब्रेज्ड हैं तो मैं इसके अंदर ऑयल नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये एज इज खाई जाएंगी, अंदर तक मसाला रचा हुआ होगा और ये बहुत टेंडर होंगी। सो इनको मैं बाहर निकालता हूँ और हम जो पीछे सॉस बची है उसके साथ कुछ करते हैं बहुत प्यार से, क्योंकि चिकन बहुत टेंडर है। तो जी यहां पे जो मेरे पास ये सॉस बची है इसके साथ एक डिप बनाएंगे मजेदार किस्म की, जिसको आप टोस्ट पे भी लगा के खा सकते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा ये हीट बटर, एक और ओप्स दो क्यूब्स में डाल रहा हूं बटर की, और इसमें जाएगा बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें बहुत तेज मसाले हैं तो मैं और कोई चीज़ नहीं डालूंगा। आई थिंक थोड़ा सा या तो ये ड्रमस्टिक्स कुछ कमज़ोर थी और ज़रा लीन थी, इसलिए ये कुछ ज़्यादा हो गया इसका ये जो मैरिनेट है। इसको यूजुअली बस उतना ही होना चाहिए जो उसके ऊपर लगा रह गया है, और ये वाला बचना नहीं चाहिए था, बट वेल there's always a solution or there's always a repurposing to anything that you have in your kitchen. Okay ji, final garnish ke liye thoda sa patla patla spring onion kata hua, although iske sath aapko kisi sauce ki zarurat nahi hai, lekin agar aap iske sath bread khana chahte hain to phir ye sauce bahut achhi hai. This is some random salsa jisme sirf tomato aur kheera hai, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी थाई चिली सॉस डाली है। हरियालियां फॉर सम डेकोरेशन, एंड दैट्स अबाउट इट। आई प्रेजेंट टू यू माय स्पाइसी ब्रेज चिकन ड्रमस्टिक्स विद अ ठंडी ठार कोक। जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे लगता है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशन है ऑफ फ्राइड ड्रमस्टिक्स, और इनको बनाना भी उन ड्रमस्टिक्स की नस्बत काफ़ी आसान है। आपके फीडबैक के हम मुंतजर रहते हैं, ज़रूर बताते रहिए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। कोई फिल्म जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं गुफ्तगू करूँ, कोई ऐसी डिश या रेसिपी जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ट्राई करूँ, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी सिर्फ एक दिन के गैप से, खुश इन द किचन में। खुदा हाफिज़।